अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू द पार्ट 8 ऑफ वीडियो सीरीज अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड अमाइड। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। एसिड क्लोराइड्स, एस्टर्स और एनहाइड्राइड्स को स्टडी करने के बाद अब हम स्टडी करने वाले हैं अमाइड्स को। अमाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के वो डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोक्सिल रिप्लेस हुआ होता है किसी भी अमाइन ग्रुप के साथ, जिसके रिजल्ट में जो नया कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव बनता है वो अमाइड कहलाता है। अमाइड की नेमिंग देख लेते हैं। अमाइड को नेम करते वक्त जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको डिराइव किया गया होता है उसी का नेम लेते हैं, उसी के नेम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम IC या OIC एसिड, जो कि एसिड के नेम के एंड पे आता है, उसको हटा के वहाँ पे अमाइड का वर्ड ऐड कर देते हैं। इस तरह से अमाइड का नेम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 3 कार्बन का एक एसिड था जिससे ये वाला अमाइड डिराइव किया गया है, तो प्रोपायोनिक एसिड से प्रोपायोन के बाद एक एसिड को हटा के अमाइड का वर्ड लगा दिया, तो प्रोपायोनामाइड बन गया ये। इसी तरह से हम अल्केन से भी इसका नेम डिराइव कर सकते हैं, चूँकि ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन्स हैं इसमें, तो प्रोपेन और उसके आगे अमाइड लगा दें तो इस तरह से इसको प्रोपेनामाइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है कैप्रो अमाइड की। कैप्रोइक एसिड एक 6 कार्बन वाला एसिड होता है, कैप्रोइक एसिड उसका डेरिवेटिव है, तो ओइक एसिड की जगह पे अमाइड लगा दिया, कैप्रोमाइड बन गया। इसी तरह अगर तो हम अल्केन से इसका नेम डिराइव करना चाह रहे हैं, चूंकि इसमें 6 कार्बन्स हैं तो हेक्सेनामाइड बन जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, बेंजोइक एसिड से डिराइव किया गया अमाइड है, तो ओइक एसिड की जगह पे अमाइड लगा दिया, बेंजामाइड बन गया। इस तरह से हम डिफरेंट तरह के अमाइड्स को नेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अमाइड्स की। जितने भी अमाइड्स हैं एक्सेप्ट फॉर्मामाइड, वो सब के सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जबकि फॉर्मामाइड जो कि सिंपलेस्ट मेंबर है अमाइड्स का, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अमाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स देखते हैं। अमाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अमाइड में अमाइन ग्रुप है और जिसमें के हाइड्रोजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि नाइट्रोजन है उसके साथ अटैच है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन चूंकि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो सेकेंड मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन उसके साथ इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है कि अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप में जो हाइड्रोजन हैं, अगर उनको सक्सेसिवली रिप्लेस कर दिया जाए किसी भी अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप के साथ, देन उनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो जाती है और इवेंचुअली उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसीटामाइड है, एसीटामाइड जिसमें NH2 ग्रुप इटसेल्फ प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने इसी का एक डेरिवेटिव लिया, एन मिथाइल एसीटामाइड, मीन के एक नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके वहाँ पे मिथाइल ऐड कर दिया, एन मिथाइल एसीटामाइड। नेक्स्ट डेरिवेटिव है जिसमें हमने दोनों हाइड्रोजन को दो मिथाइल से रिप्लेस कर दिया, NN डाइमिथाइल एसीटामाइड। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एसीटामाइड का सबसे ज़्यादा है, एन मिथाइल डेरिवेटिव का उससे कम है, और एन एन डाइमिथाइल का बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा एसीटामाइड का है, देन एन मिथाइल का, और देन एन एन डाइमिथाइल का। तो ये जो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज आया है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाने की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ में डिक्रीज आ गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो हाइड्रोजन हैं वो स्ट्रक्चर में चेंजिंग आने की वजह से वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोअर अमाइड्स जिनमें के कार्बन का नंबर जो है वो लो है, वो सबके सब वाटर सोलूबल हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो वो वाटर में इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सोलूबल हो जाते हैं। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करता है, 5 और 6 कार्बन जो हैं वहाँ तक सोलूबिलिटी इन वाटर, फिर भी कुछ ना कुछ वाटर सोलूबिलिटी होती है इन कंपाउंड्स की, लेकिन जैसे ही कार्बन नंबर 6 से इंक्रीज कर गया,
Solubility of these compounds in water decreases. Amides organic solvents में fairly soluble होते हैं. For example, DMF, जिसको के हम dimethyl formamide के नाम से जानते हैं, और कुछ इस तरह का इसका structure होता है, formamide है, और जिसके दोनों नाइट्रोजन के साथ जो दोनों हाइड्रोजन हैं वहाँ पे मिथाइल ग्रुप से अटैच है. अमाइड्स की सोलुबिलिटी हम देख रहे थे. अमाइड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सोलुबल होते हैं. इसके अलावा अमाइड्स पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में सोलुबल होते हैं. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि डाइपोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन एप्रोटिक होते हैं, उनमें कोई भी प्रोटॉन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वाटर और एथानॉल जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें पॉजिटिव टर्मिनल प्रोटॉन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है. वाटर में भी और अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल एथानॉल, मेथानॉल वगैरह में भी, जिनको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाइड्रोजन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर नहीं होता, बल्कि सम अदर एटम पे होता है इन द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम DMF को देख चुके हैं, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड. इसी तरह से डाईमिथाइल एसीटामाइड एक एग्जाम्पल है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया गया है. इसके अलावा हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में DMSO आता है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड. तो ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल हैं. अमाइड इनमें भी फेयरली सोलबल होते हैं. अमाइड्स को प्रिपेयर करने के मेथड देख लेते हैं. फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, सेकेंड मेथड है फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, एंड थर्ड वन इज फ्रॉम एस्टर. ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स ही हैं, और इनको जब हमने डिटेल में डिस्कस किया था तो इनके रिएक्शंस में हमने देखा था कि जब इनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है सिंपल अमोनिया के साथ या किसी अमाइन के साथ, फॉर एग्जांपल प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन, तो उस केस में इनसे नेक्स्ट डेरिवेटिव बना था जो कि अमाइड होता है. तो इनको मैं यहाँ पे फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही, इनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रेपिटेशन होगी, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज में से. फोर्थ मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी जब हम एक्वस अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम सॉल्ट बनती है. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्वस अमोनिया का रिएक्शन करवाया, अमोनियम सॉल्ट बनी. देन हमने इसको हीट किया, हीट करने पे इसमें से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो रिमूव हुआ, डिहाइड्रेशन हो गई, और फाइनली जो है यहाँ से टू हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिमूव हुई, तो बाकी जो है NH2 ग्रुप यहाँ पे आ गया, तो ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया. इसी मेथड को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, कमर्शियल लेवल पे, ऑन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अमाइड के लिए. जब अमाइड्स को लार्ज क्वांटिटी में बनाना होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तब इसी मेथड को यूज़ किया जाता है. मीन के हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड्स को प्रिपेयर करते हैं. अमाइड्स के केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं. फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड. अमाइड भी चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसके जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बैक कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे कि बाकी डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस बैक टू कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो रहे थे. तो फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स. हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स के लिए हम आइदर एसिडिक मीडिया यूज कर सकते हैं या बेसिक मीडिया यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मीन के हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं. तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है. फर्स्ट जो स्टेप है उसमें प्रोटोनेशन होती है इस ऑक्सीजन की, कार्बोनाइल ऑक्सीजन की. तो कुछ इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल आता है. ये चूंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर तो ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दें. तो इस केस में यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं. नेक्स्ट स्टेप में वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता हुआ अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है. तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा. नेक्स्ट में जो नाइट्रोजन है वो अपने लॉन पेयर को यूज करते हुए यहाँ से इस वाली जो कि वाटर इसके अंदर ऐड हुआ है आके, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. अब नाइट्रोजन के फोर बॉन्ड्स बन चुके हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा. जब यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ से NH3 एज अमोनिया मॉलिक्यूल लीव कर जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में यही जो अमोनिया है ये अपने लॉन पेयर को यूज करते हुए एज ए बेस एक्ट करते हुए यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है कार्बोक्सिलिक
एसिड बन के आ जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज बेस हाइड्रोलिसिस, मीन की कोई किसी भी बेस के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं अमाइड की। इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, ये बेस है, बेस ने हाइड्रोक्सिल आइंस दिए हैं सॉल्यूशन में, ये एक्ट करेगा ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, और इस तरह से जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन ऐड होगी, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है एज ए प्रोटॉन इस नाइट्रोजन के पास चले गई, तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया जबकि नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि अब इसके फोर बॉन्ड्स बने हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में यही जो लॉन पेयर है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और अमोनिया यहाँ से लीव कर जाएगा, तो फाइनल हमारे पास कार्बोक्सिलेट बन के आ गया है। इसकी प्रोटोनेशन होगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमने देखा कि हम हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं अमाइड की इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बेस और एसिड हाइड्रोलिसिस में सिर्फ मैकेनिज्म का थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आती है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स की डिहाइड्रेशन करवाई जा सकती है, प्राइमरी अमाइड है अगर तो उसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू कोरेस्पॉन्डिंग नाइट्राइल ऑन रिएक्शन विद द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज कर सकते हैं, POCl2 हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा थायोनाइल क्लोराइड यूज किया जा सकता है या एसिटिक एनहाइड्राइड को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जा सकता है। इसका रिएक्शन देखते हैं, ये हमारे पास अमाइड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ इसका एक्शन रिएक्शन करवाया, यहाँ से हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन लीव कर जाएगी और फाइनली कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में थ्री बॉन्ड्स आ जाएंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये नाइट्राइल बन गया है और साथ ही साथ P2O5 जो है वो H3PO4 मीन जो फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइड्स देते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते। इजी मेथड टू प्रिपेयर दोज अल्काइल नाइट्राइल्स डेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड बाय SN, क्योंकि नाइट्राइल्स को प्रिपेयर करने का एक दूसरा मेथड जो कि हमारे पास है, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं अल्काइल हेलाइड का बाय अ न्यूक्लियोफाइल साइनाइड, लेकिन वो नाइट्राइल्स जो कि इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते उसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये भी एक यूजफुल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल्स है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स टू अमाइंस। अमाइड्स को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, और अमाइड की रिडक्शन हो जाएगी इनटू अमाइन। इसके लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लेते हैं, चूंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, लिथियम और एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये दो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, लिथियम पॉजिटिव आयन और एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिंपल दिखाया गया है। यहाँ से एक हाइड्राइड, हाइड्राइड मीन के हाइड्रोजन विद द लॉन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता हुआ कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, और बाकी का जो पार्ट है AlH3 ये भी ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट आता है। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये जो ऑक्सीजन और साथ में एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड वाला मॉलिक्यूल है यहाँ से लीव कर जाएगा, फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह की आती है जिसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और साथ में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। नेक्स्ट जो है एक और मॉलिक्यूल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, वो दोबारा से हाइड्राइड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये वापस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इस तरह से फाइनल जो प्रोडक्ट है वो अमाइन बन के आ जाती है। और ये जो इंटरमीडिएट बना था ये अमोनियम आयन कहलाता है, ये इमाइन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसको हम इमाइन ग्रुप कहते हैं, तो ये अमोनियम आयन बन गया हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन इज होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम होफमैन रीअरेंजमेंट के नेम से भी जानते हैं और ये भी प्राइमरी अमाइड्स ये वाला रिएक्शन देते हैं। इस रिएक्शन में भी अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन रिएक्शन नंबर 3 और 4 में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में ही अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन 3 वाले में हमने देखा था कि कार्बन का नंबर जितना क्या हमारे रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में है, जितनी कार्बन रिएक्टेंट में थी उतनी ही प्रोडक्ट में है,
लेकिन होफमैन डिग्रेडेशन में ये होता है कि अब हमारी एक कार्बन जो है उसका नंबर डिक्रीज कर जाता है, फाइनल प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि एक कार्बन जो है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर चुकी होती है। तो इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। फॉर प्राइमरी अमाइड होफमैन डिग्रेडेशन का रिएक्शन यूज किया जाता है, इट इज यूज टू कन्वर्ट प्राइमरी अमाइड इंटू प्राइमरी अमाइन बाय द रिएक्शन विद ब्रोमीन इन अल्कलाइन सोल्यूशन। ब्रोमीन और साथ में कोई भी बेस हम यूज करने वाले हैं जिसमें के हमने यहाँ पे यूज की हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके रिजल्ट में एक तो अमाइन का मॉलिक्यूल बना, साथ में सोडियम ब्रोमाइड बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। होफमैन रिएक्शन में चूंकि हम बेसिक मीडियम में ब्रोमीन को यूज करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में बेस आके एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। हाइड्रोजन चूंकि एज ए प्रोटॉन रिमूव हो रहा है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन यही वाले जो नेगेटिव चार्ज है ब्रोमीन मॉलिक्यूल में से एक ब्रोमीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और जो दूसरा ब्रोमीन है वो एज ए ब्रोमाइड यहाँ से लीव कर जाएगा। इस तरह से जो इंटरमीडिएट बनता है वो ब्रोमोअमाइड होता है। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से एक और बेस का मॉलिक्यूल आएगा, वो दूसरे प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से रेजोनेट करता है, उसका ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वाले स्टेप में ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने वाली है, होफमैन रीअरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं। सिंपली ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरम्यान में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस कार्बन के साथ ये जो आर ग्रुप अटैच है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इस नाइट्रोजन के साथ आके लग जाएगा, मीन के आर ग्रुप कार्बन से डिटैच हो गया और नाइट्रोजन पर आके अटैच हो गया, और साथ ही साथ इस नाइट्रोजन से ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से एज अ ब्रोमाइड लीव कर जाएगी। अब ये जो इंटरमीडिएट आया है आइसोसायनेट कहते हैं इसको, नाइट्रोजन के साथ आर ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्डेड अटैच है कार्बन के साथ और कार्बन डबल बॉन्डेड अटैच है ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट स्टेप इज द एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें वाटर चूंकि हाइड्रोजन और OH होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएगी और हाइड्रोक्सल पार्ट जो है वो कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये इसका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये कार्बेमिक एसिड कहलाता है, इस एसिड को कार्बेमिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आर एन हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है और एक दूसरा हाइड्रोजन जो है ये वाला भी नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव होगी। इसीलिए जो रिएक्टेंट था वहाँ से एक कार्बन लेस वाली प्रोडक्ट बनती है और अमाइड अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी, होप सो कि आपको सारे जो रिएक्शंस हैं वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अल्लाह हाफिज़।